तो वहीं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़े और राजस्थान में बाल श्रम रोकथाम, बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर मंथन किया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बाल श्रम मुक्त राजस्थान के प्रयासों के बारे में जानकारी दी और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बाल श्रम मुक्त कराने के लिए राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में लक्ष्य बनाकर काम किया है। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि श्रम की समस्या बहुत बड़ी है और देश और प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान विशेष रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे कोई भी बच्चा श्रम में ना लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास बाल श्रम को हर रूप में समाप्त करने का होना चाहिए। सरकार हो चाहे एनजीओ हो चाहे हमारे बोर्ड का ऑपरेशन हो, परंतु ये काम इतना बड़ा है कि जब तक हम लोग इसके लिए नीतिगत फैसला नहीं करेंगे तब तक ये काम जो है मैं नहीं समझता कि कभी भी पूरा होने वाला काम है। कुछ बच्चों को आप रिहेबिलिट करेंगे, कुछ बच्चों को आप छुड़ाएंगे, हम लोग संतुष्ट तो हो नहीं सकते उससे, क्योंकि जितना छुड़ाएंगे उससे डबल चले जाएंगे वापस उसके अंदर। ये प्रक्रिया जो है रुकनी चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी बना के इसमें काम करें। अभी जो कोविड की समस्या आई है इसके लिए भी सरकार ने एक्सरसाइज करी है और मैं चाहूँगा कि ये जो उस पर बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करे अपने डिपार्टमेंट के अंदर और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें, उनके लिए गाइडलाइन निकाले पूरा पढ़ के सुना देश को पैकेज को। और ये पैकेज जो है बाद में मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। कम से कम बच्चे जो है ऑर्फन इनका मॉनिटरिंग करना जरूरी होगा, ये दिमाग रखें। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे मंत्री जी ने कहा, जूली साहब ने भी और यादव साहब ने भी, कि हम सब एक संकल्प लें कि बच्चों के लिए हम जिंदगी में जहाँ हमें मौका लगे वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए। कोविड जो नया आया है B16172 जिसका नाम रखा है WHO डेल्टा, अभी 2 दिन पहले जानकारी मिली, एक बहुत ही एक खतरनाक तरीके घातक तो पहले महसूस हो ही रहा था हम लोगों को जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा पूरे देश के अंदर प्रदेश में, परंतु अब तो साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है कि ये कोरोना बहुत घातक है। इंग्लैंड में अमेरिका में भी गया है, कुछ वहाँ पे संख्या में वहाँ बहुत तेजी से फैलने लग गया है डेटा। ये आपके कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है कि ये एक प्रकार से वैक्सीन को ही बाईपास कर देता है या वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम कर देता है। ये सब बातें आ रही है, वो तो टाइम बताएगा कि इसमें स्थिति क्या बनती है, परंतु फैलता बहुत तेजी से है, घातक है, मृत्यु दर ज़्यादा है, हार्ट और लंग्स को इफेक्ट जल्दी करता 2-3 दिन में। पहले वाला लहर थी उसमें तो 5-10 दिन लगते थे, ये तो 3-4 दिन लेट आया आप अगर अस्पताल में और सीधा CT स्कैन कराया मालूम पड़ा आप तो 25 में स्कोर आ गया, आप 10 आगे, 15 आगे, 20 आगे, 25 आगे, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। तो आप